बड़ी और दुखद खबर राजस्थान के नागौर से निकलकर आ रही है। नागौर में सोमवार की रात पिता ने अपनी दो बेटियों को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी ने नींद में सो रहे परिवार पर ताबड़तोड़ वार किए तो पूरा घर खून से भर गया। सन के आरोपी ने अपनी पत्नी और 7 साल के द्वित्य पर भी कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। बेटियों की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हमले में पत्नी और द्वित्य गंभीर घायल हो गया। वारदात के बाद आरोपी गांव के ही पास बनी पहाड़ियों में जाकर छिप गया, लेकिन मंगलवार देर शाम को वो पकड़ा गया। अभी आरोपी पिता मन्नाराम पुलिस की गिरफ्त में है। मामला जिले के पर्वतसर थाना इलाके के दिलढाणी का है। पड़ोसियों का कहना है कि मन्नाराम इतना सनकी है कि हर छोटी बात पर घर वालों को मारने की धमकी देता था। गांव वालों के सामने भी परिवार को कह चुका था कि एक दिन सभी को मार दूंगा। इतना ही नहीं, सोमवार को जब उसे पुलिस ने हिरासत में लिया तो पुलिस को देख कहने लगा कि मुझे भी मार दो। हालांकि इस हत्या की वजह क्या थी अभी तक ये खुलासा सामने नहीं आया है, लेकिन परिजनों का कहना है कि ये मानसिक बीमार थे। एडिशनल SP गणेशराम ने बताया कि वारदात की कोई ठोस वजह नहीं है, आरोपी का स्वभाव थोड़ा गुस्सैल है। वारदात के बाद आरोपी घर से भाग गया, जिसे दिल की ढाणी के पहाड़ी इलाकों से पकड़ लिया गया है। आरोपी मानसिक बीमार है या नहीं, इसके बारे में पहले कुछ नहीं कह सकते। इन सभी की जांच की जाएगी। इस घटना के बाद गांव वाले खौफ में हैं। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि मन्नाराम जो धमकी देता था वो ऐसा भी कर देगा। गांव के सरपंच प्रतिनिधि नरेंद्र सिंह ने बताया कि मन्नाराम घर वालों से किसी न किसी बात पर झगड़ा करता रहता था। ऐसी कोई ठोस वजह नहीं रही, गुस्से में वो घर वालों के कई बार कह चुका था कि एक दिन पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा, जबकि जान ले लेगा। लेकिन ऐसा गांव के लोगों ने कभी नहीं सोचा कि एक दिन वो सच में ऐसा कर देगा। उन्होंने बताया कि कई बार गांव में आता तो यहाँ चौपाल पर बैठे लोगों से भी झगड़ा कर लेता था। उसकी सनक का किसी को अंदाजा नहीं था। बैठने से लेकर चाय का नहीं पूछने तक का वो झगड़ा कर लेता था। गाँव वाले उसे चाय का नहीं पूछते तो एक ही बात बोलता था कि मार दूंगा, लेकिन गाँव वाले भी नहीं जानते थे कि ये सन की कुछ भी बोलता रहता है। नरेंद्र सिंह ने बताया कि मन्नाराम की सनक के बारे में ग्रामीण जानते थे। उन्होंने बताया कि 10 साल पहले एक हादसे में बाद वो गुस्सैल हो गया। उसका पता ही नहीं चलता था कि किस बात पर सनक चढ़ जाए। ये बात जरूर थी कि वो गाली गलौज करता रहता था। हादसे के बाद घर वालों ने उसका बहुत ध्यान रखा, लेकिन उसके बाद भी वो घर वालों को कोसता रहता था। सुबह सुबह 5 बजे चाय मांगता, कहता कि मिल जानी चाहिए, यदि थोड़ी देर हो जाती तो चाय से भरा कप भी फेंक देता था और सीधी मर्डर की धमकी देता था। मन्नाराम की छोटी बेटी रेखा की बड्डू में शादी हुई थी और मंगलवार सुबह उसे ससुराल जाना था। मन्नाराम की बड़ी बेटी मीरा 26 साल की थी। परवसर के पास दयाल की ढाणी में ससुराल है। बहन को ससुराल जाना था, इसलिए वो अपने 7 साल के बेटे के साथ प्रिंस के साथ आई थी। मीरा का ससुराल पास में था तो सोमवार को वो अपने पिता के यहाँ से निकलने वाली थी, लेकिन माँ ने बड़ी बेटी को ये कहते हुए रोक दिया कि सुबह काम है, रात में यहीं रुक जाएगी तो बातें भी करेगी। छोटी बहन रेखा ने भी ये कहते हुए रोक दिया कि मंगलवार सुबह कपड़े खरीदने जाना है तो यहीं पर रुक जा। इस पर मीरा अपने बेटे के साथ वहीं रुक गई और देर रात पिता ने उसका भी गला काट दिया। मन्नाराम ने कुल्हाड़ी से मीरा, रेखा, प्रिंस व पत्नी के सर पर वार कर दिए। मीरा व रेखा के गर्दन कट गई तथा उनकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि केसर व प्रिंस लहूलुहान हो गए। बेटा हजारी दूध की गाड़ी चलाने का काम करता है, जिसके चलते वो सुबह जल्दी उठता है। सुबह करीब 3:30 बजे वो उठा तो उसके कमरे के बाहर कुंडी लगी हुई थी। उससे पहले दरवाज़ा खटखटाए तो किसी ने नहीं खोला। उसने दरवाजे को तोड़ दिया, बाहर आकर देखा तो पास के कमरे में के भी कुंडी लगी थी। उसमें दरवाजे के खून बह रहा था। दरवाज़ा खोला तो कमरे में माँ और बहनों को लहूलुहान देख उसके भी होश उड़ गए। उसने पड़ोसियों को बुलाया और पुलिस को जानकारी दी। उसने पुलिस को बताया कि वारदात के दौरान वो पास वाले कमरे में ही सो रहा था, लेकिन रात को तेज हवा और कमरे में पंखा चलने की वजह से चीखें नहीं सुनाई दी।